राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय पांच। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय पांच। मंदिर के बनाने की तैयारी। और सोर नगर के हिराम राजा ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। और सुलेमान ने हिराम के पास यो कहला भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बुझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पाँव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराएगा वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ, और उसने कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हिराम ने सुलेमान के पास यो कहला भेजा कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया है। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हिराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उनको देवदारू और सोनवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हिराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हिराम को प्रतिवर्ष दिया करता था, और यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हिराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। और राजा सुलेमान ने पूरे इसराइल में से 3,000 पुरुष बेगार लगाए, और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और एक महीना तो वे लबानोन पर और दो महीने घर पर रहा करते थे। और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया, और सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिये थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नेव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए, और सुलेमान के कारीगरों और हिराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए।